बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 10 में एक्सरसाइज 20.1 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन 1 और 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। ये जो हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, इनमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी m की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हम m की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे रूट्स इक्वल आ जाएँ। इसका 1 है m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 x है प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। m प्लस 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी a है, a इज इक्वल्स टू m प्लस 1। इसी तरह 2m प्लस 3 जो है x का कोएफिशिएंट है यानी b है, b कितना है हमारे पास 2m प्लस 3। 2m प्लस 3 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये है हमारा c, c इज इक्वल्स टू 2m प्लस 3। ठीक है, अब ये हमने a, b और c तो निकाल दिया, a और b, इससे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2m प्लस 3, या मैंने डबल प्लस डाल दिया और इसके ऊपर हमने करना है स्क्वायर। फिर हमने माइनस 4 लिखा, a की वैल्यू है m प्लस 1, ये हमने a लिख लिया, और c की वैल्यू है 2m प्लस 3। दोनों के हमने पूरे पूरे ब्रैकेट उतार लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 पे भी स्क्वायर है तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और ये m प्लस 3 जो है इसके ऊपर हम ऐसे स्क्वायर लिख लेते हैं। अभी इसको भी हम खोलेंगे 2 के फॉर्मूले से ना। इसी तरह अब ये m प्लस 1 को 2m प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 अभी ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, m को 2m से करा तो 2m स्क्वायर हो गया। फिर हमने ये वाला प्लस, m को 3 से करा तो 3m हो गया। अब इस 1 को इस 2m से करेंगे 2m आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 वन ज़ा 3 आ जाएगा। ये 4 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब m प्लस 3 पे होल स्क्वायर है, आपको याद होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a है ये b है, तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम करते हैं m स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हम m लिखेंगे और b की जगह पे 3 लिखेंगे, फिर 3 की जगह पे स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये माइनस 4 अभी ऐसे ही लिखा, अंदर जो भी इसमें सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व कर लेते हैं। 2m स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देते हैं, और ये प्लस 3m है और ये प्लस 2m है, 3 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास 5m आ जाएगा, और ये वाला प्लस 3 उतार लेते हैं। अब इसके बाद जो है 4 ऐसे ही उतारते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6m प्लस 3 थ्री ज़ा 9। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, ये ऐसे ही उतार लिया अभी हमने। ठीक, अब ये देखें, एक वैल्यू हमारे पास ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो हमने 4 कॉमन निकाल दिया। 4 कॉमन निकालने के बाद इसके पास जो बचता है और उसके पास जो बचता है उसको एक साथ लिख लेते हैं। इसके पास क्या बचता है, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, हम लिख लेते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 लिख लिया। अब यहाँ पे ये सिर्फ माइनस रह गया, 4 कॉमन में चला गया, तो हम यहाँ माइनस देंगे और ये ब्रैकेट के साथ लिखेंगे इसको 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3। ठीक है ना, देखें इसका 4 कॉमन में चला गया तो ये पूरा ब्रैकेट बचा हुआ है हमारे पास माइनस के साइन के साथ। इसको आपने माइनस का साइन ज़रूर उतारना है वरना ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, उसके बाद ये आएगा प्लस माइनस माइनस 2m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5m प्लस माइनस माइनस 3। ठीक है, ये देखें, अब इसको हम अंदर ही अंदर जितना भी ये सॉल्व हो सकता है वो कर लेते हैं। 4 को ऐसे ही उतार लेते हैं, ये माइनस 2m स्क्वायर है और ये m स्क्वायर है प्लस m स्क्वायर, तो माइनस 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर माइनस कर दें कितना आ जाएगा, माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। ये 6m है, ये 5m है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस 6m में से माइनस 5m माइनस कर दें तो प्लस m आ जाएगा। प्लस 9 है और माइनस 3 है, प्लस 9 में से 3 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, प्लस 6। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, 4 को छोड़ दें, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस m माइनस 6।
ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स, क्योंकि एम स्क्वायर प्लस में हो गया। अब ये जो फोर है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, अब हम लिखेंगे माइनस एम स्क्वायर, सॉरी माइनस कॉमन लिखा, माइनस एम माइनस सिक्स विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि हमें इन्होंने कहा था ना कि इक्वल रूट्स आने चाहिए, तो ये अब हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है, क्योंकि इक्वल रूट्स कब आएंगे, इक्वल रूट्स जब आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। ये हम पीछे एक्सरसाइज में सीखते हुए आए, इसी एक्सरसाइज में हमने ये सीखा है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो लिख दिया, कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है, ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए अब हम एम की वैल्यू निकालेंगे। एम की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकडाउन भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब इसमें ए बी और सी लिख लेते हैं हम। इसमें ए हमारे पास क्या है, ए इसमें हमारे पास एम के साथ है वन, बी हमारे पास है एम के साथ भी कुछ नहीं है और माइनस का साइन है माइनस वन, और सी हमारे पास है माइनस सिक्स। ठीक है, माइनस सिक्स ये यहाँ लिखना चाहिए था, मेरे से मिस्ड हो गया था इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, वन है, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स है। ये हमने लिख दी। नीचे है टू ए, ए की वैल्यू टू का टू उतार लिया, ए की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे, ये प्लस माइनस माइनस, जब हम वन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर आ गया हमारे पास, टू वन ज़ा टू। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है तैयार हो रही है, वन प्लस माइनस अंदर आ गया हमारे पास ट्वेंटी फोर, वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन टू। ठीक है, ट्वेंटी फाइव का जब हम रूट निकालते हैं फाइव आ जाता है, हमारे पास इक्वेशन बन गई वन प्लस माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, ये दो आ गए ना हमारे पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके हम इसकी दोनों वैल्यूज़ निकाल लेंगे। यहाँ एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, वन प्लस फाइव अपॉन टू कितना निकलेगा, सिक्स अपॉन टू निकल आएगा, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, थ्री वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम इसको माइनस में कर लेते हैं, वन माइनस फाइव अपॉन टू कर लेते हैं, माइनस फाइव में से वन निकाला माइनस फोर आ गया अपॉन टू आ गया, टू फोर को टू से डिवाइड करा माइनस टू आ गया, हमारे पास दो आंसर आ गए थ्री एंड माइनस टू। ये हमारे आंसर हैं। एम की वैल्यू जो है थ्री या माइनस टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, हमारे इक्वल रूट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन थ्री का पार्ट टू करेंगे हम। हमें ये इक्वेशन गिवन है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सिक्सटीन इजिकल्स टू जीरो। अब हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नाइन यानी ए इजिकल्स टू नाइन है, और एक्स का कोएफिशिएंट है एम यानी बी इजिकल्स टू एम है, और 16 के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये सी है, कांस्टेंट है हमारा सी इजिकल्स टू 16। ठीक है, अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह हम लिखेंगे एम, एम पे स्क्वायर हो गया, माइनस फोर लिखा, ए की जगह ए की वैल्यू नाइन लिखी, सी की जगह सी की वैल्यू 16 लिख दी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर फोर, सिक्सटीन को नाइन से और फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 576। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस 576। अब हम ऐसे करते हैं कि इसको इस साइड पर ले आते हैं, एम स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट हमें इन्होंने कहा है हमारे रूट्स इक्वल आने चाहिए, जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। इसकी जगह हम अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं जीरो, एम स्क्वायर माइनस 576 इजिकल्स टू जीरो। एम स्क्वायर को यहीं छोड़ दें, जीरो के पास 576 यहां माइनस हो रहा है, जीरो के पास जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा जीरो प्लस 576। अब एम स्क्वायर इजिकल्स टू 576 आ गया, दोनों पे अंडर रूट कर दें। ठीक है, हमने एम स्क्वायर पे भी रूट कर दिया और 576 पे भी रूट कर दिया। 576 का अगर हम रूट देखते हैं तो हमारे पास 24 निकलता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। जब भी हम रूट करते हैं तो दो बार लिखते हैं प्लस माइनस के साथ, हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 24। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू कम्प्लीट हो गया हमारा। एम की वैल्यू आएगी प्लस में या फिर माइनस में, हम 24 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे इक्वल रूट्स आ जाएंगे। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में इन्होंने हमें के की वैल्यू फाइंड करने को कही है और कहा है के जो है के की वैल्यू जो है वो रियल नंबर होगी। ठीक है,
के विल बी इक्वल्स टू आर, यानी रियल नंबर निकलेगा के की वैल्यू। अब इसमें इक्वेशन को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन अपॉन के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इन्होंने यहाँ पे भी एक एक्स जो है गलती से दे दिया है, क्योंकि दो एक्स नहीं हो सकते ना, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एक्स होता है, तो यहाँ पे गलती से एक एक्स दे दिया, उसको रिमूव कर दीजिएगा, यहीं पे एक एक्स रहने दीजिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, वन है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस टू के प्लस वन अपॉन के है, और सी क्या है, थ्री है। तो हम लिख लेते हैं इसको, ए इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, और बी इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो कितना है, माइनस टू ब्रैकेट के प्लस वन अपॉन के, ठीक है, ये है ना इसका कोएफिशिएंट, और सी जो है वो कितना है, थ्री है। इसमें एक एक्स आपको रिमूव करना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो मिस्टेक है बुक में। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस टू, और इसको हम छोटे ब्रैकेट में लिख देते हैं, के प्लस वन अपॉन के है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक बड़ा ब्रैकेट देंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर बनाना है ना, बी के ऊपर स्क्वायर है, हमने ये तो बी की वैल्यू लिख ली और उस पर स्क्वायर डाल दिया, माइनस फोर लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है वन, सी की वैल्यू है हमारे पास थ्री, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, और ये के प्लस वन अपॉन के अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस फोर थ्री ज़ा 12 आ गया। ऐसे करते हैं इसको, इसका स्क्वायर जो है, स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे खोल लेते हैं, 4 ऐसे ही लिख लें, के प्लस वन अपॉन के का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो फार्मूला जब हम होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये a है और ये b है, तो इस पर जब हम फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k पे देखें स्क्वायर लगा दिया, k स्क्वायर हो गया, प्लस टू फार्मूले का लिखा, फिर हम यहाँ पे दो ब्रैकेट छोड़ते हैं, और फिर हम ये वन अपॉन के लिखेंगे और इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, ये स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, इस पर स्क्वायर क्या, इस पर स्क्वायर क्या, प्लस टू फार्मूले का लिखा, और ये वाला के इधर लिखेंगे और ये वाला वन अपॉन के इधर लिखेंगे, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, फोर है, और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास है के स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, ठीक है, देखेंगे हमारे पास आ गया, और यहाँ पे माइनस ट्वेल्व है। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करेंगे, इस फोर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर के स्क्वायर हो गया, फिर हमने प्लस का साइन उतारा, फोर टू ज़ा एट हो गया, प्लस का साइन उतारा, फोर वन ज़ा फोर अपॉन के स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस फोर को इससे फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस ट्वेल्व हमने ऐसे ही उतार लिया, अब ये प्लस एट है और माइनस ट्वेल्व है, माइनस ट्वेल्व में से प्लस एट माइनस कर दें, फोर के स्क्वायर ऐसे ही उतारा, फिर माइनस ट्वेल्व में से एट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस फोर आ जाएगा, प्लस फोर अपॉन के स्क्वायर ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है, ये अब हमारा जो है एक इक्वेशन बन गई। अब इसको देखें तो इसके ऊपर जो है टू का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके इसका फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे स्क्वायर के फॉर्मूले से, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट उतारा, फोर के स्क्वायर का अगर हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये कर देते हैं टू के पे होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी हम माइनस टू फार्मूले का लिखेंगे, यहाँ दो ब्रैकेट देंगे, फोर अपॉन के स्क्वायर का हाफ जो है हम करेंगे टू अपॉन के का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, अब यहाँ पे माइनस टू हमने फार्मूले का लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस ब्रैकेट में लिखेंगे टू के, इस ब्रैकेट में लिखेंगे टू अपॉन के ए बी, ये क्या फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें ये के से के को हम काट देते हैं, के रिमूव हो गया, ये टू बचा, यहाँ पे टू बचा, यहाँ पे टू बचा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, हमारा मिडिल टर्म में क्या आ रहा है, एट आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस फोर है, हमारे पास आ रहा है माइनस एट और यहाँ है माइनस फोर, हमें तो माइनस फोर चाहिए ना ताकि ये फार्मूला बंद हो सके, तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, आप बताइए कि एट में से माइनस एट में से हम क्या माइनस कर दें कि माइनस फोर आ जाए, तो अगर माइनस एट में से प्लस फोर माइनस कर देते हैं तो माइनस फोर आ जाएगा, तो हमारा ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस एट था उसमें से प्लस फोर निकालेंगे माइनस फोर आ जाएगा, तो हमारा मिडिल टर्म सेम हो गया ना, मिडिल टर्म हमारा सेम आ गया, अब हम फार्मूला बंद कर सकते हैं, हमने लिखा टू के
ये वाला साइन उतारेंगे माइनस का और ये उतारेंगे 2/k होल स्क्वायर कर दिया और ये वाला +4 साइड में उतार लिया। अब ये हमारी जो है इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व हो गई, k जो है हमारा स्क्वायर के अंदर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर। यानी k की वैल्यू अब चाहे हमारी चाहे माइनस में हो, तब भी जब भी हम उसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगी। जो इसका मतलब है हमारी k की वैल्यू जो है प्लस में आएगा हमारा आंसर डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इसका मतलब है हमारे रूट जो होंगे वो रियल नंबर आ जाएंगे, जो हम कंडीशन पहले याद पढ़ते हुए आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखी थी, उसी कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज लिखेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। यहाँ हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सही है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ज़ीरो से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है, हम लिखते हैं इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। पॉजिटिव है जभी तो ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन ज़ीरो। सो रूट्स हमारे कैसे निकलेंगे, रियल निकलेंगे, ठीक है, रूट्स आर रियल। और हमें रियल ही निकालने थे, यानी के की वैल्यू हमारी रियल नंबर निकलेगा, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 4 का part 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का part 2 करेंगे। 2nx² + 2l + m + nx + l + n। x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 2n, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2n। x के साथ कोएफिशिएंट है 2 ब्रैकेट l प्लस m प्लस n, तो b की वैल्यू हो जाएगी, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल्स टू 2l + m + n। एल प्लस एम के साथ कुछ भी नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। सी विल बी इक्वल्स टू एल प्लस एम, पूरा हमने ब्रैकेट के साथ ही उतार लिया इसको। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह पे हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है, 2l + m + n, और इस पूरे के ऊपर हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 लिखेंगे, ए की वैल्यू है 2n और C की वैल्यू है l + m, ऐसे लिख लेते हैं हम। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अब ये जो है 2 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 4 और l + m + n, ये स्क्वायर इसके साथ भी है, तो इसके साथ हम ऐसे करके इसको अलग से स्क्वायर लिख देते हैं। माइनस 4 ऐसे ही उतार लेते हैं अभी, 2n को इस l से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा +2nl, फिर 2n को हम प्लस m से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास +2mn। ये यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब ये देखिए, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकली है, वो है 4, तो हम 4 को कॉमन निकाल देते हैं, इससे हमारा इजी हो जाएगा। ये 4 को कॉमन निकाल के यहाँ ब्रैकेट देते हैं और l + m + n का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ रिमेनिंग बच गया, ये वाला माइनस का साइन बच गया, और ये 4 तो इधर कॉमन में चला गया, तो ये 2nl + 2mn यहाँ पे ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। ब्रैकेट के साथ लिखेंगे वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये इन दोनों के साथ है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है 4 लिखते हैं हम, l + m + n का होल स्क्वायर है, इसको हम फॉर्मूले से खोलेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ क्या होता है a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला। मैं यहाँ लिख देती हूँ, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये इसका फार्मूला है, थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था मुझको। तो ये वाला फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास l² + m² + n², ठीक है, ये हो गया a² + b² + c². उसके बाद हमने क्या करना है, +2 लिखना है और l को m से मल्टीप्लाई कर देना है, हम क्या लिखेंगे 2l m, फिर 2 लिखेंगे, अब इस m को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे 2mn, फिर +2 लिखेंगे और फिर इस n को l से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे +2nl, सही है। ये तो हमारे यहाँ से यहाँ तक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अभी हमारे पास ये चीज़ बाकी है, इसको भी हमें इसके साथ उतारना है, +-2nl आ जाएगा और ये +-2m
एन आ जाएगा। फोर ही नीचे आ गया, एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर खोल के, ये पूरा फॉर्मूला हमने खोल दिया इस फॉर्मूले से। उसके बाद ये वाला जो हमारा पोर्शन था प्लस माइनस माइनस टू एन एल आ गया, प्लस माइनस माइनस टू एम एन आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे इसको चाहे तो हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अब इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको रिमूव कर देंगे, फोर को ऐसे ही रहने देते हैं और हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एल माइनस टू एन एल, ये वाला ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, माइनस टू एम एन, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें जो भी सिंप्लीफाई हो रहा होगा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखें प्लस टू एन एल माइनस टू एन एल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस टू एम एन और माइनस टू एम एन ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा है क्या बचा है, सिर्फ ये फोर बचा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एल एम, ये बच गया हमारे पास। अब इसको देखें तो इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो इस पर भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फोर को ऐसे ही रखते हैं, एल स्क्वायर को भी अपनी जगह रखा और ये टू एन टू एल एम को इधर ले आया, टू एल एम इधर आ गया और फिर उसके बाद आ गया एम स्क्वायर, फिर उसके बाद हमने लिख लिया एन स्क्वायर, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा ब्रैकेट दे दें, ठीक है, हमने एन स्क्वायर को थोड़ा सेपरेट कर दिया। अब इसको आप देखेंगे ना, इसका मैंने ब्रैकेट इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियरली नजर आए। इस ब्रैकेट को आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है फॉर्मूला टू अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला टू से ही बंद हो जाता है, तो हम इसको बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे, ये देखें एल पे स्क्वायर कर दिया, प्लस टू फार्मूले का लिखा और ये एम पे भी, प्लस एम पे भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया एल, यहाँ पे आ गया एम, ठीक है, और ये एन स्क्वायर तो अलग से है ही यहाँ पे। अब आप इसको देखिए, ये इसके मिडिल में देखें टू एल एम आ गया, टू एल एम इसके मिडिल से मैच हो रहा है, ये इससे बिल्कुल सेम आ गया ना मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म सेम आ जाती है फार्मूला बंद हो जाता है, तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू फोर, ये एल लेंगे, ये वाला प्लस का साइन लेंगे, ये वाला एम लेंगे और इसको होल स्क्वायर करके बंद कर देंगे, ये हमारा फार्मूला बंद हो गया। फिर हमने यहाँ पे एन स्क्वायर उतारा। अब हमारी ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। आप कैसे सॉल्व हो गई, आप ये देखिए कि एल पे भी स्क्वायर आ रहा है, एम पे भी स्क्वायर आ रहा है, एन पे भी स्क्वायर आ रहा है। जब किसी चीज़ में स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब होता है अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में भी होगी तब भी वो स्क्वायर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हम ये लिख सकते हैं इसको इस तरह से, फोर एल प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, जो ग्रेटर है जीरो से। तो इसका मतलब है कि हमारे आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा रियल नंबर आएंगे, रूट्स जो आएंगे वो हमारे रियल नंबर आएंगे। तो अब इस आंसर को अपना लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर भी होगा जीरो से जब पॉजिटिव है, तो सो द रूट्स आर, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ये हम कंडीशन क्वेश्चन नंबर वन में सीख कर आए हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट टू कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।